मुखिया जी ने कितना किया विकास, क्या इनके विकास कार्य से स्थानीय जनता है संतुष्ट। हम दिखाएंगे आपको वार्ड से लेकर टोला मोहल्ला का विकास, कितना हुआ विकास और कितना हुआ विनाश, सिर्फ और सिर्फ न्यूज फॉर लाइफ। सरकार एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रही है कि पंचायत में अगर मुखिया द्वारा किसी भी तरह की कार्य में गड़बड़ी पाई जाती है तो अधिकारी इस पर तुरंत कार्रवाई करें, लेकिन अधिकारियों द्वारा केवल नाम का शोकॉज किया जाता है और कुछ दिन बाद मामला लिपापोती कर दिया जाता है। शायद यही कारण है कि पंचायत में सरकार की योजना धरातल पर नहीं है। चलिए हम आपको ले चलते हैं गोपालगंज जिला। दरअसल मामला गोपालगंज जिला के माझा प्रखंड के माझा पूर्वी पंचायत का है, जहां वार्ड नंबर 11 और 8 में नल जल सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर वर्तमान मुखिया और वार्ड सदस्य पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों के माने तो पंचायत में पूरी तरह से नल जल योजना फेल है। मान लीजिए रोड बहुत खराब है, आप इसी गांव में जिस गांव में आप हैं उस गांव में देखेंगे 3-4 साल पहले पैसा का उठाव हो गया रोड का पैसा उठ चुका है। अभी 3-4 साल पहले पैसा उठा, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। नल जल का सारा काम उसी तरीके से, सारा पेंडिंग काम है, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। इवन इस पंचायत में जो भी प्रतिनिधि हुए अभी तक सब ने इस पंचायत का विनाश किया है, शोषण किया है। इवन इंदिरा आवास, गरीब को इंदिरा आवास मिलना चाहिए, कई उठाव ऐसे उल्टे सीधे हो गए। इसका कई लोग केस भी फाइल किए हैं, लोक अदालत में केस चल रहा है, जिसका इंदिरा आवास उठ चुका है और उस बेचारे को पैसा नहीं मिला है। प्रशासन एकदम वो है, प्रशासन निष्क्रिय हो चुकी है। जितने घोटाले हो रहे हैं उस पर कोई जांच ही नहीं हो रहा, जांच हो रहा है तो सब पेंडिंग चला जा रहा है। आपको बताते चले कि मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा वार्ड सदस्य को नल जल योजना के तहत विकास मद से कार्य करने के लिए राशि तो दिया गया, लेकिन वार्ड सदस्यों द्वारा समय से काम नहीं किया गया। जबकि मुखिया द्वारा वार्ड सदस्य पर काम करने को लेकर दबाव बनाना और सही कार्य कराना इनका दायित्व बनता है, लेकिन मुखिया जी ने इसे अपना जिम्मेवारी नहीं समझा। आपको बता दें कि पंचायत स्तरीय कार्यों का जिम्मा जैसे नल जल योजना प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्यों द्वारा कराया जाना है और मुखिया द्वारा इन कार्यों पर ससमय निगरानी करना, साथ ही कार्यों को जल्द से जल्द करवाने की जिम्मेवारी बनती है, जिसको लेकर मुखिया के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। देखिए इस पंचायत में नल जल तो फेलियर है, इससे पहले भी कई लोग जेल भी जा चुके हैं इस मामले पे हमारे पंचायत से, और उस पे चल रहा है कार्रवाई चल रही है। वही स्थानीय लोगों ने पंचायत के मुखिया पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि पंचायत में कई जगह पर बिना काम कराए ही राशि का उठाव कर लिया गया है और कार्य धरातल पर नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी तक पंचायत में किए गए कार्य को जांच कराने के साथ साथ दोषियों को सजा दिलाने की भी मांग की। माझा पूर्वी पंचायत के बिरजी टोला के निवासी हैं, ये वार्ड संख्या 8 और वार्ड संख्या 8 में लगभग 15 लाख रुपए की राशि की निकासी की जा चुकी है, और वो भी तकरीबन 3-4 साल पहले और किसी भी योजना को पूर्ण नहीं कराया गया। हमने मास पिटीशन के साथ वीडियो को लिखित आवेदन दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे बगल में एक सड़क है जो तकरीबन 3 बार में ढलाई हुआ, वो भी योजना के मुताबिक पूर्ण नहीं हुआ, पार्ट बाई पार्ट करके 3 बार में ढलाई हुआ, पैसा पहले ही निकासी हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पानी तो दूर की बात, हमारे यहाँ तो नलकूप भी नहीं बैठा, अभी हमारे यहाँ टंकी तक नहीं बैठा, और लिखित आवेदन देने के बाद भी सिस्टम भी पूर्ण रूप से ढीला पड़ा है। यहाँ तक कि अगर राशि की निकासी की जा चुकी है तो उसकी मॉनिटरिंग मुखिया को भी करना चाहिए, क्योंकि मुखिया और पंचायत सचिव जो राशि अपने वार्ड को सौंप दिए, तो भाई वो पैसा आप सौंप दिए 4 साल पहले, वो पैसा निकास कर लिया और उसे काम नहीं हो रहा, यानी पैसे का हो क्या। वही दूसरी ओर स्थानीय मुखिया अशोक कुमार ने बताया कि 5 वार्डों में नल जल चल रहा है, बाकी बचे वार्ड में पीएचडी विभाग के द्वारा नल जल योजना कार्य कराए जा रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा मुखिया जी के बयानों पर, इन्होंने अपना जिम्मा तो छुड़ा लिया लेकिन पीएचडी पर सारा जिम्मा सौंप दिया। खैर अब तो यह जांच का विषय है कि किसने कितना गबन किया और कितना विकास किया। अब देखना यह होगा कि क्या गोपालगंज जिला प्रशासन इस पर एक्शन लेती है या फिर मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना केवल
कागज पे ही सिमट कर रह जाती है या फिर धरातल पर भी उतर पाएगी या नहीं, अब तो यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जल नल का कार्य में हमारे यहाँ अभी पाँच गो वार्ड जो है मेरे यहाँ मुखिया के द्वारा मैंने वार्ड के द्वारा हुआ है पाँच गो, और बकिया छः जो है अभी आपको जो है पीएचडी कर रहा है, अभी पीएचडी वाला अभी पूरा पूर्ण नहीं किया अभी, हम लोग अपना जो चल रहा है उसमें सब चालू कर दिए हम लोग। आठ नंबर वाला में जी, आठ नंबर वाला जो वार्ड कमिश्नर जो वार्ड था उसको पैसा दे दिया गया, वो जो है कुछ लापरवाही के चलते उसका काम अभी हम लोग जो है काम जोर से चल रहे हैं, एक सप्ताह के अंदर में उसका जो है चालू करने जा रहे हैं।